ट्वेल्थ क्लास बेटा आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं इज़ लेंस मेकर्स फार्मूला ये क्वेश्चन फाइव मार्क्स का अक्सर आता है इसमें आपका जो है साइन कन्वेंशनशंस लिखनी होती हैं डायग्राम बनती है उसके बाद पूरी डेरिवेशन होती है तो सबसे पहले यमशंस की बात करते हैं यमशंस तो वही सेम है जो हमने पहले भी पढ़ी है परचे शुड बी स्मॉल द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज मेड स्मॉल एंगल विदिपल एक्सिस एंड तो ये सेम आपके पास जो यंक्शन है जो कि अपने अच्छी तरह से इसको लर्न रखना है अपने माइंड में रखना है और जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको लिखना है उसके बाद साइन कन्वेंशन की बात करें तो वही सेम ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑप्टिकल सेंटर एंड द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव और अपोजिट साइड की जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव में आपने कंसिडर करना है इस डायग्राम को बडा बड़े ध्यान से देखना है आपने ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पर है दो सर्फेसिस हैं यहाँ पर जहां पर रिफ्रेक्शन होगी लाइट ओ से ए की तरफ आ रही है बेंड करेगी नीचे की तरफ तो उसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो आई वन के ऊपर बनती है बट अगर आप यहाँ से सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करते हो तो सेकेंड रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट थोड़ी सी और बैंड हो जाएगी बट द फाइनल इमेज जो है वो आई के ऊपर बनेगी तो ये आपके पास दो सर्फेसिज हैं एक यहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है एक इस सर्फेस के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रही है तो दोनों ही केसेस में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी पहले सरफेस के ऊपर इस तरह से इक्वेशन बनेगी म्यू वन अपॉन पी वन ओ म्यू टू अपॉन पी Is equal to mu minus mu upon P1 C1. ये हम ऑलरेडी जैसे हमने पिछले क्लास में किया था रिफ्रैक्शन जो अलग अलग सर्फेसिस के ऊपर थे तो वहां से ये इक्वेशन उठाई है हमने तो ये आपके पास एक सर्फेस के लिए इक्वेशन बन गई सिमिलरली सेकेंड सर्फेस के लिए आपके पास ये इक्वेशन बन गई है तो ये दोनों अलग अलग सरफेस की जो इक्वेशंस हैं उनको कंबाइन करना है हमने एडिंग दीज टू इक्वेश तो इनको कम्बाइन करने के बाद आपके पास जो है फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से बनता है हमने उसी तरह से पहले की तरह यू और वी की वैल्यूज पुट करनी है डिस्टेंस सारे ओ से मेजर करने हैं पहले भी हम बात कर चुके हैं तो वो डिस्टेंस ओ से मेजर करने के बाद सी सी वन की वैल्यू या सी सी टू की वैल्यू आर वन आर टू हमने पुट की है तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास फाइनल इक्वेशन ये वाली बनेगी अब यहाँ पर म्यू वन और म्यू टू है तो वहां पर एक और आप चेंज कर सकते हो आप पूरी इक्वेशन को म्यू वन से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट वन ओवर यू माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू म्यू टू ओवर म्यू वन किसके बराबर होता है म्यू के बराबर होता है एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला यहां पर आपके पास दो रेडियस ने आर वन और आर टू जनरली हमारे पास लेबोरेटरी में जो लेंस होते हैं उसमें आर वन और आर टू इक्वल होते हैं बट ये जरूरी नहीं है कि लेंस में आर वन और आर टू इक्वल ही हो अब आप ये क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि आर वन आर टू अगर इक्वल है तो ये तो कट जाएंगे जीरो हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता क्योंकि आर वन जो है वो एक डायरेक्शन में जैसे यहां पर आप कंसिडर करोगे तो फर्स्ट सरफेस का जो आर वन है वो आगे की तरफ है वो पॉजिटिव रहेगा बट आटू जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वैल्यू में से आप नेगेटिव वैल्यू को सब्ट कर रहे हो तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा तो ये लेंस मेकर फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से बेटा इसको करना है आपने और इसमें आपके पास आगे इक्वेशन बन सकती है अगर आप एक पॉइंट के ऊपर चले जाते तो यहां पर फोकस जो आप कैसे यू की वैल्यू जो है वो सी एफ ले ली आपने, which is equal to F1. तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी तो वन ओवर इन्फिनिटी आ गई वी की वैल्यू तो वन ओवर एफ वन विच इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन ओवर आर टू आर वन माइनस वन ओवर आर टू तो इस इक्वेशन को ये जो आपके पास इक्वेशन है उसको आप पुट करके वैल्यू पुट कर सकते हो वन ओवर एफ वन या वन ओवर एफ टू के इक्वल तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वन ओवर एफ विच इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू तो बेटा इतना काम आपने कर लेना आज लेंस मेकर फार्मूला इसके साथ आपकी रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन खत्म हो चुकी हैं नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे